नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टी सी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शटल में आवाज़ कर रही है मशीन शटल से तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये आपको लाइव सुनाऊंगा कि आवाज़ मतलब अगर आपकी सूखी मशीन हो बिना तेल डाले तो किस तरीके की आवाज़ निकलती है और आपका कहीं पर मान लीजिए दबा हुआ है शटल तो कैसी आवाज़ निकलती है या फिर कहीं पर रगड़ रहा है शटल तो आपकी कैसी आवाज़ शटल में निकलती है इससे क्या होगा आप एक आवाज़ को मतलब पहचान के आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्योंकि सूखी मशीन होगी तो वो अलग ही तरीके से कुछ आवाज़ करती है और दबी हुई होती है तो वो अलग तरीके से कुछ काम करती है आवाज़ देती है और मतलब कहीं पर रगड़ रही होती तो अलग तरीके से तो तीनों तीन तरीके में इसमें बताऊंगा क्योंकि शटल से आवाज़ करती है आपकी मशीन तो मतलब आवाज़ तो कर रही है अब आप पहचानेंगे कैसे कि आप प्रॉब्लम क्या है आखिर आवाज़ को मतलब एक पहचानना भी ज़रूरी है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए इस मशीन में हमने बहुत दिनों से इसमें तेल नहीं डाला है इसका शटल भी बहुत ज़्यादा पुराना है तो अब जो है हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं जो सूखी मशीन होती है उसका सटल आवाज़ किस तरीके से करता है ये मैं आपको सुनाता हूँ सबसे पहले और ये माइक से हम सुनाऊंगा तो आवाज़ आपको कुछ ज़्यादा ही लगेगी मतलब मशीन में उतनी नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको उससे ज़्यादा लगेगी क्योंकि माइक से हम सुना रहे हैं ठीक है ना तो हम इसको सबसे पहले इसको रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने तो देखिए यहां पर हमने माइक अपना लगाया है अब हम घुमाते हैं तो दोस्तों आपने सुनी ये जो आवाज है वो सटल सूखा है इसलिए ये आवाज इतनी कर रही है अब इसमें अगर हम तेल डालते हैं तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी ये खचखचा रही है तो ये नहीं होगी तो अगर ये प्रॉब्लम है इस तरीके की आवाज़ कर रही है तो आपको सिर्फ तेल डालना है इसमें और कुछ नहीं यानी कि बाकी आपकी मशीन सही चल रही है सिर्फ आवाज़ इतनी तेज़ कर रही है तो आपको तेल डालना है और कुछ नहीं अच्छा वाला तेल अगर आपका शटल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है आप मान लीजिए तेल डालते हैं तब तक आवाज़ कम रहती है और जैसे ही थोड़ा सूखता है तेल उसके बाद फिर आवाज़ करने लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपका शटल बहुत ज़्यादा कट गया है और उसको आपको चेंज कराने की ज़रूरत है नया डालने की ज़रूरत है तो समझ गए ना पहला स्टेप अब देखिए हम दूसरा स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे में कैसी आवाज़ करती है अगर आपका शटल दबा हुआ है दबता कहाँ से ये भी मैं आपको बताऊँगा तो ये देखिए माइक हमने यहाँ पर रख दिया अब हम इसको उंगली से दबाते हैं ये ये जो आवाज है ये दबे हुए सटल की आती है जब आपका सटल दबता है तो इससे आवाज ऐसी निकलती है और थोड़ा सा मशीन भारीपन मशीन में आ जाता है यह प्रॉब्लम अब यह प्रॉब्लम कहाँ से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो देखिए मान लीजिए आपने ये शटल बांधा और यह शटल आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा के इधर साइड में बांध दिया सेंटर इसका और यह शटल आगे बढ़ा के आपने बांधा और इसमें स्टापर इस में ये जाके बिल्कुल ही चपक गया यह स्टापर में कहने का मतलब इसमें आप पिले ही नहीं रह गए बीच में कटोरी में अब क्योंकि इसमें दूरी नहीं रह गई बिल्कुल ही इसमें ये चपक गया इस्टापर की खूंटी है इसमें चपक गई तो उसकी वजह से ये आपका फिर आवाज़ करने लगेगा इस तरीके के क्योंकि ये कटोरी अंदर साइड में दब जाएगी क्योंकि इसको थोड़ा सा बाहर निकलना है अब बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि स्टापर अंदर ज़्यादा दबा हुआ है इसलिए तो ऐसे में क्या करना है आपको ऐसे करके पेचकस कर से इस्टापर को बाहर निकालना है ऐसे करके सीधा कर देना अगर यहाँ पर जगह है लेकिन जगह ही नहीं है बिल्कुल सटल इधर है तो आपको हल्का सा सटल पीछे की तरफ करना होगा इसको कैसे इधर उधर करते हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऊपर बटन में आपको मिल जाएगा लेकिन सटल आपका ठीक होता है इधर उधर करने की जरूरत नहीं क्या होता है इस्टापर कभी कभार हमारा सेट नहीं होता है नया सटल बांधा या दूसरा बांधा या नया स्टापर बांधा तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है पहली स्टेप तो ये है कि उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से हमको स्टापर सेट करना होता है इस्टापर ये है हल्का सा तिरछा करके इधर साइड में बांधना होता है तो पहला चीज़ तो ये होती है दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम शटल जब बांधते हैं तो कभी कधार हमारा ये ऊपर का हिस्सा कटोरी पे ठीक से बैठा हुआ नहीं होता है ये बांधते तो हैं पर यह हल्का सा मतलब बैठ नहीं पाता है खूब अपने हिसाब से तो उसकी वजह से जैसा कि मान लीजिए आप टाइमिंग सेट कर रहे हैं और ये ठीक तरीके से बैठा नहीं है तो हल्का सा भारीपन भी होगा उसमें शटल में और आवाज़ भी ज़्यादा करेगा इसी तरीके की दबी हुई आवाज़ आती है तो ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आपको क्या करना है आपने जैसे नया शटल आपने अगर शटल बांधा तो, तो आपको शटल दोबारा से इसको बांधना होता है फ्री करके थोड़ा सा और उसमें ऑयल वगैरह तो डाल लें उसके बाद बांधें समझ गया ना तो दूसरी चीज़ तो ये होती है अब तीसरी चीज़ कहाँ पर होती है वो मैं आपको बताता हूँ तीसरी चीज़ क्या होती है हमारे दाँतें जब जाखड़े से नीचे होते हैं या फिर हमारा स्टावर ज़्यादा ऊपर होता है ऊपर साइड में उठा हुआ तो क्या होता है हमारे दांतों का जो नीचे का हिस्सा है वो सटल में रगड़ता है तो उसकी वजह से आवाज़ करती है अब देखिए मान लीजिए हम थोड़ा सा आप इसको नीचे करते हैं दांतों को फिर मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए मैं आवा आपको आवाज़ सुनाता हूँ तो देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारा इस्टापर है ये इसमें देखिए हल्का सा चपक रहा है ये स्टापर जैसे कि मैंने बताया था ना कि स्टापर हल्का सा रगड़ मारता है और देखिए ये दांते हैं ये देखिए ये इसमें सटल में रगड़ रहे हैं हल्के से रगड़ रहे हैं ना तो इसी तरीके से ये रगड़ते हैं तो इसमें आवाज़ एक हल्की सी बनती है और इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ बनेगी तो तीसरे स्टेप में ये भी प्रॉब्लम आपको देखना है अगर ऐसा है तो आपको हल्के से दाँतें ऊपर करना है दाँतें अगर आपके बिल्कुल फुल ऐसा तो है नहीं बिल्कुल फुल होंगे लेकिन अगर आपके फिर भी नहीं उठ रहे हैं तो यहाँ से आप पैकिंग डाल के हल्की सी उठा सकते हैं अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना मैं सही कर मतलब बता दूंगा और स्टापर है ये ज़्यादा उठा हुआ ऊपर तो आपको ये दाँतें खोल के को तो ऐसा करके रखेंगे ये दाँतें निकाल के और इसको धीरे से दबाएंगे तो ये दब जाएगा चलो थोड़ा कस के दबाना होगा लोहा है ना तो हल्का सा इसको टाइट कर देना इस तरीके से या इसको खोल के भी आप थोड़ा सा नीचे के लिए दबा सकते हैं फिर आपको बांध देना है तो लड़ना नहीं चाहिए तो इसकी वजह से भी आवाज़ आती है तो ये सारी आपको चीज़ें सही करना है तो इसमें इसी तरीके से आवाज़ आती है अब कभी भी आपकी ये प्रॉब्लम हो कि आपकी आप समझ जाए कि यहाँ से हमारी आवाज़ कर रही है तो कमेंट कर देना मैं उस पर वीडियो बना दूंगा क्योंकि ऐसे आपकी अगर आवाज़ कर रहे हैं आपने फुका की सटल से आवाज़ कर रहे है तो उसके बहुत से रीज़न होते हैं ना पता ही नहीं चलता है कि किसके मतलब से आवाज़ कर रही है तो ये भी दिक्कत होती है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें फिर मिलता है नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार